पीटीआई ब्रेडफोर्ड हिम्बरसाइट की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए ब्रेडफोर्ड में मुजाहरा किया गया, जिसमें सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक हुए। मुजाहरे ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे और पार्टी परचम लहराकर इमरान खान की सपोर्ट का ऐलान किया। वकार बाबर मुगल रिपोर्ट करेंगे। पीटीआई ब्रेडफोर्ड की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए इम्पोर्टर हुकूमत नाम मंजूर के नाम से ब्रेडफोर्ड में एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। रैली में पीटीआई अहदेदारों के अलावा जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन समेत हर उम्र के अफराद ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की और इमरान खान से भरपूर इजहार यकजहती किया। एहतजाज सफारतखाना पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड के सामने किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों ने परचम उठाकर शिरकत की। इस मौके पर फिजा नारों से गूंजती रही। इमरान खान, पाकिस्तान। रैली के शुरुआत ने हाथों में पीटीआई के झंडे और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इम्पोर्टेड हुकूमत नाम मंजूर के नारे दर्ज थे। उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीडीएम में शामिल दूसरी ओपोजिशन जमातों के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। इस मौके पर फिजा कौन बजाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान के नारों से गूंजती रही। रैली के शुरका ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को बैन अल-अक़वामी साजिश करार दिया। उनका कहना था कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करते, हम इमरान खान के साथ मिलकर इस बैन अल-अक़वामी साजिश को बेनकाब करेंगे। Imran Khan zindabad. It was really important, we need to support Imran Khan, we need to support Imran Khan, that's why we are here, all families here. We're in Bradford and today's protest is going really well, and all I need to say is you guys need to support Imran Khan and you guys need to come down and inshallah Imran Khan will be back with a bang. Is jazbe se bahar aaye hain aur sirf aur sirf Imran Khan ko lane ke liye aaye hain. Ye chote bacche roza rakh ke nikle hain aur inka jazba dekhe, sirf aur sirf इनका यही है कि इमरान खान की हुकूमत को आना चाहिए, चोरों की हुकूमत को खत्म होना चाहिए। We are going to combat PTI Zindabad. Today we in Bradford organized solidarity with Imran Khan. We're not accepting the government of Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif because they've been bought out by the Americans. So mashallah was a very good function today, we had about 500-600 people here. Kabul kar diya hai logo ne, overseas pakistaniyon ne, qoum ki jo awaz hai wo Imran Khan hai, wo Pakistan hai. Main apne daron se aur in aise logo ke jo kehte hain ki hum is saazish ka hissa nahi hai, main unse request karta hu ki foreign election karaye. Tamam bhai pakistani kashmiri community yahan ikatthi hui hai और ये एहतजाज हम कर रहे हैं कि दिन दिहाड़े लोग इंसाफ के लिए जाते हैं अदालतों के अंदर और हमारी अदालतें रात के 12 बजे चोरों की तरह हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालतों से उखाड़ कर बाहर फेंका है। अदालतों ने रात के 12 बजे खान साहब को उठा के बाहर मारा है। जब इमरान खान ने ये बोला कि एब्सोल्युटली नॉट, उसके बाद उसी दिन ही एक साजिश शुरू हो गई थी कि अमेरिका की तरफ से ऑपोजिशन के सारे जो लीडर हैं वो अमेरिका के स्वर्गखाने में जाके सबको मिलते रहे। इमरान खान ने सबको बोला कि मैं राइट टू लेकर हमारी आजादी छीनी गई। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी कल भी इमरान खान के साथ खड़े थे और आइंदा भी खड़े रहेंगे। 92 न्यूज से बातचीत करते हुए रैली के शुरका का कहना था कि दिन भर रोजा रखने के बावजूद आज की इस रैली में लोगों का ये ठाठे मारता समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। जी मैं 92 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज हम यहाँ ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कंसुलेट के बाहर मौजूद है और एक बहुत बड़ा जलसा या जुलूस की शक्ल में या एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की सूरत में यहाँ पर हम इकट्ठे हैं और सिर्फ एक ही मैसेज है कि जो ये नामंजूर हुकूमत आई है ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को नहीं बल्कि हम जो पाकिस्तानी इस बरतानिया में आबाद हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हमारे तलक हो या आजाद कश्मीर से तलक हो, वो नामंजूर है। इमरान खान के साथ जो भी हुआ है ये गलत हुआ है और आधी रात को 12 बजे अदालतें खोली गई हैं, ये कौन सा कानून है? और इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ हैव बीन डूइंग अ कुमत इन आवर कंट्री फॉर 30 इयर्स, दे आर शू पॉलिशर्स, दे आर अमेरिकन मुफिट्स, दे हैव बीन
robbing our country for the last 30 years. Imran Khan has just done a kumat for 3.5 years. He's changed a lot of stuff in our Pakistan country. Imran Khan sahab ke saath yakjehti manane ke liye पाकिस्तान को इन्होंने एक बनाना रिपब्लिक समझा हुआ है कि ये हो ही नहीं सकता कि एक बैरूनी कुवत आके तो गवर्नमेंट चेंज कर दे और पाकिस्तान की सारी खारजा पॉलिसी चेंज हो जाए। हम उस एहतजाज के लिए यहाँ पे आए हैं और अपना हक लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमें बस शिकवा है पाकिस्तान के कोर्ट से, जो गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन इनके लिए रात को 12 बजे भी खुल जाते हैं। ये कितना जुल्म है, ये कोई शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के कोर्ट वालों को, ताकि गरीब लोगों को भी ऐसे दे, ताकि गरीब लोगों को भी कोई इसका हिस्सा मिले। मुजाहरे में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत की और साबिक वजीर आजम इमरान खान से भरपूर इजहार यकजहती किया। ये मुजाहरा कई घंटे जारी रहा जिसमे शुरका का जोशो खरोश काबले दीद था। शुरका का कहना है की इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा और आने वाले इलेक्शन में कप्तान को 2/3 अक्सरियत से जितवा कर दम लेंगे। कैमरा पर्सन हमारा के साथ वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज, ब्रैडफोर्ड। लंदन के नवाही इलाके सलाव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के हक में मुजाहरा किया जिसमें सैकड़ों मर्दों खवातीन ने बच्चों समेत शिरकत की। तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा राजा जाहिद, रूमी मलिक और जाबिर फारूक की क्यादत में होने वाले मुजाहरे के शुरका ने जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि किसी को ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। मुजाहरे का मजीद अहवाल जानेंगे वसीम कासम की इस रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाके स्लाव में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा राजा जाहिद, रूमी मलक की क्यादत में इमरान खान के हक में जबरदस्त मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में बच्चों समेत खवातीन और मर्द हजरात ने शिरकत की और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन ने हाथों में सब्ज हलाली परचम और तहरीक इंसाफ के झंडे और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इमरान खान के हक में और अपोजिशन जमातों के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहरीन से खताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा जाहिद, रूमी मलक, मोहम्मद वकास, जाबिर फारूक का कहना था कि पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुकूमतें गिराने और साजिशों का हिस्सा बनने जैसी कानूनी रवायत को खत्म करना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत को खत्म करना मुल्क और कौम के साथ ज्यादती के बराबर है। इस सूरत हाल में ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुजाहरे में शरीक बच्चों ने हाथ में प्ले कार्ड उठाकर इमरान खान के हक में नारेबाजी की। खवातीन की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान में सियासी अमल को रोकने और इमरान खान के खिलाफ गठजोड़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ने सब वापस आ जाएंगे, उन्हें हमारा इमरान खान बैक, जिसने हमें इज्जत दी है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। इमरान खान, वी बिलीव ही शुड बी प्राइम मिनिस्टर। इट वाज जस्ट बाय 2 वोट्स ही कुड हैव मेड, ही मेड लॉट्स ऑफ चेंजेस टू पाकिस्तान। वी वांट हिम बैक, वी वांट इमरान खान बैक। इट्स नो टू इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, वी वांट हिम बैक। We want our freedom. हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। जो कुछ भी पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, ये चोर डाकू जो सब इकट्ठे हुए हैं, डेफिनेटली हम उसके साथ नहीं हैं। और ऑब्वियसली इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। मैसेज आउट टू पाकिस्तान ऑन द होल नेशन, इफ वी डोंट रेज आवर वॉइस टुडे, व्हेन विल वी रेज इट? We are against what's happening in Pakistan. मुजाहरे में शरीक ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुतालबा था कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत को हरगिज नहीं मानते और मुजाहरों का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुल्क में फौरी इलेक्शन नहीं करवाए जाते। हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा और ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इंशाल्लाह इसको हमने भगाना है। हम आए हैं इमरान खान साहब के साथ सोलिडरिटी शो करने के लिए। जिस तरह से आधी रात को 12 बजे उनके लिए अदालतें लगाई गई और जिस तरह से आधी रात को हमारे ऊपर एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना वो इम्पोर्ट कर दी, एक जाली हुकूमत हमारे ऊपर इम्पोर्ट कर दी है, तो उसके खिलाफ हम इधर निकले हैं इमरान खान के साथ सोलिडेरिटी शो करने के लिए और हमें जो है ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल नामंजूर है। पाकिस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, जिस तरह उनको हटाया गया है उसमें आलमी साजिश इन्वॉल्व थी और हमारे करप्ट पॉलिटिशियन जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व थे, तो हम समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है और उसके सिलसिले में हम पूरे यूके में इंतजाज किया जा रहा है। आज यहाँ स्लाव में इंतजाज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट का करने का मकसद ये है कि हमारे ऊपर जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो मुसल्लत की गई है, हमारी पार्टी ने 23 साल जद्दोजहद की है और उसके बाद हमने लोगों को अपने मंशूर के तहत
हम इस हुकूमत पे आए तो इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत करके, और इसमें बहुत सारे इदारे भी इन्वॉल्व हैं। इस वक्त तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ये अगर कोई जमहूरी प्रोसीजर से इमरान खान को निकाल दे तो हमें कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन जिस तरह अमेरिका और तमाम लोगों ने साजिश की और पाकिस्तान के जो बेजमीर लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी किया, और इमरान खान के खिलाफ नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया। एक ऐसे शख्स को गैर जमहूरी तौर पे निकाला गया जो पाकिस्तान की वकार में इजाफा कर रहा था। मुजाहिरीन ने इस मौके पर मकामी पीटीआई रहनुमाओं पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए बरतानिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखने का अजम भी जाहिर किया। वसीम काजमी, 92 न्यूज, लंदन। यूके इस्लामिक मिशन की जानिब से ईस्ट लंदन के इलाके डैगनम में इफ्ताह पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसमें सदर मुस्लिम एसोसिएशन यूके मसले फरियादी और मेयर ल्यूशिम तौसीफ अनवर ने खसूसी शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके डैगनम में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें मुसल्ला फरियादी सदर मुस्लिम एसोसिएशन यूके और मेयर ल्यूशिम तौसीफ अनवर ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब के दौरान मेहमानों ने मुसलमानों को रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में भाईचारे से रहने और अपने इस्लाम के असल पैगाम को फैलाने का अज़्म का इजहार किया। तकरीब में हसन मोइनुद्दीन नायब सदर दावत इस्लामी बरतानिया, कौंसलर जियाउर रहमान, कौंसलर कैसर अब्बास, डॉक्टर जहूर कुरैशी, साबिक सदर इस्लामिक सोसाइटी बरतानिया और कामरान चौधरी के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेशी कम्युनिटी ने शिरकत की। तकरीब से खताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था, इस वक्त दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के चैलेंज का सामना है, जिसकी रोकथाम के लिए हर मुसलमानों को अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लाम के मुस्बत और खूबसूरत चेहरे को दुनिया के सामने पेश किया जाए ताकि गलत फहमियाँ दूर हो सके। मुकर्ररीन का कहना था, हम जहाँ रहते हैं वहाँ यूथ और कम्युनिटी के करंट अफेयर्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाए। हमें मुसलमानों के भाईचारे का पैगाम बुलंद करने की जानिब रागिब होने की जरूरत है। रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अमन कायम हो। सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, बांग्लादेशी कम्युनिटी के लोग भी इनवाइट किए, और इस करंट इशू जो है हमारे यूथ के पॉलिटिकल अवेयरनेस पे और जो यूनिटी है कम्युनिटी उस पे बात हुई, तो रियली गुड टू बी हियर। एंड खासकर जो प्रोफेसर गुलाम आजम साहब हैं बांग्लादेश के, उनके साथ ज्यादा हुए थे, तो काफी चीजें जो है हमने आइडियाज। हम मुसलमानों को सारा दिन भूखे प्यासे रहने के बाद साथ को जब हमारे सामने खाना आता है खाते हैं हम उसको, तो हमारे लिए अल्लाह ताला के लिए तशक्कुर इजहार तशक्कुर और दिल में फीलिंग्स पैदा होती हैं, और लोगों के लिए भी जो इन चीज़ों से महरूम है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हम उनकी उस भाईचारे का एक पैगाम और एक फीलिंग्स हमारे अंदर डेवलप होती है। हमारे लिए रमज़ान एक मुफीद महीना है, तो हमें चाहिए अल्लाह और रसूल को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनको उनकी बात जो है वो सुनेंगे और मानेंगे, वरना हमारा ईमान जो है आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे लिए सोचना चाहिए हर सोच हर काम जो है अल्लाह और रसूल क्या कहते हैं और उसके बिना पर हम आगे चलना चाहिए और उसको छोड़ के आगे नहीं चलना चाहिए। कुरान और हदीस को छोड़ देंगे तो हमारे लिए हमारा ईमान का सबूत कहाँ है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर हम सब लोग दुआ करें अल्लाह ताला से कि जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो हो, और रमजान मुबारक इस महीने में अगर हम अल्लाह ताला से तहे दिल से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी होगा। रमजान का महीना हमारे लिए मोहब्बत अमन और शाइस्तगी का महीना है, तो जिस मुल्क में हम रहते हैं हम मोहब्बत के लिए अमन के लिए उसके फरोग के लिए जो इसका पैगाम है इंशाल्लाह हम उसको कन्वे करेंगे, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के लिए इस मुल्क के लिए और पीछे पाकिस्तान में बसने वालों के लिए भी दुआएं। तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगु करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक में रब के अहकामात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ज्यादा से ज्यादा अमल करके आखिरत को सुनवारा जा सकता है। आखिर में तकरीब के मेजबान अरसलान नफीस साबिक सदर यूके इस्लामिक मिशन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शुरका की पुरतकल्लुफ अफतारी से तवाज़ो की गयी। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज, यूके। बरी के मकामी हॉल में बरी मुस्लिम फ्रेंड ऑफ लेबर और साउथ एशियन म्यूजिक एंड आर्ट काउंसिल की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम, जिसमें डिप्टी मेयर बरी काउंसलर शाहीना हारून, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, लेबर पार्टी के अहदेदारान समेत मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। राजा वाचित रिपोर्ट कर रहे हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तिलावत और नात के बाद तनवीर अहमद की तरफ से कलाम इकबाल के खूबसूरत अशार पेश किए गए।
तकरीब की नकाबत के फराइज समा काउंसिल की एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन पमेला मलिक ने निभाए। इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए डिप्टी मेयर बरी शाहीना हारून, डिप्टी लीडर ऑफ द काउंसिल तैमूर मलिक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यास्मीन कुरेशी और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि टूरी पार्टी की मौजूदा हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से उनका ग्राफ दिन ब दिन नीचे गिर रहा है। बेनिफिट में कटौती, महंगाई और शोहरियत बिल को लेकर आवाम बहुत परेशान है और हम बरी की आवाम से अपील करते हैं कि आइंदा माह 5 मई को होने वाले लोकल इंतखाबात में लेबर पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाए। सनम कदा है जहां, सनम कदा है जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मीडिया से बात करते हुए इफ्तार डिनर के शुरका का कहना था कि सिर्फ लेबर पार्टी ही सही मानों में आवाम की तकालीफ और मुश्किलात को समझती है और 5 मई को होने वाली लोकल इलेक्शन में लेबर पार्टी की उम्मीदवारों को अक्सरियत से कामयाब करवाएं। 5 मई को जो इलेक्शन हो रहा है, हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वो लेबर को वोट देकर इनको कामयाब बनाएं ताकि हमारे मसाइल हल हों। माय मैसेज टू द पीपल ऑफ बेरी इज दैट ऑन द 5th ऑफ मे लेट्स सेंड अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज आउट टू द कंजर्वेटिव्स इन बेरे बट आल्सो द कंजर्वेटिव्स इन गवर्नमेंट दैट दे आर नॉट वेलकम हियर इन बेरे। And secondly, what we want to do is use that as the momentum to return James Frith as the MP for this constituency. जोक दर जोक शामिल होना और हमारी पार्टी में आके सपोर्ट जाहिर करना, ये बात जाहिर करता है कि लेबर पार्टी जो है वो इंशाल्लाह 5th of May को बारी अक्सरियत से कामयाब होगी। और मैं अपने लोगों को कहती हूँ कि आप बाहर निकलें और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी आप रह रहे हैं UK में, अपने तमाम लोगों को कहें कि 5th of May को बाहर निकलें और अपने वोट कास्ट करके लेबर पार्टी को बरसर इक्तदार लाकर अपनी मुश्किलात का इजाला करा सके। वो ये पार्टी है जो हमारे आवाम को की बात सुनती है और उनको सपोर्ट करती है, और जो टोरी पार्टी है उसको हमने निकालना है, गवर्नमेंट से भी हमने निकालना है, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे बेहतरी के लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। और जो भी हमारे बातें हुई हैं आज, जैसे इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ जो ये गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हमने बताया है। बेरी मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर की तरफ से और समा काउंसिल की पार्टनरशिप के साथ हमने ये जो कम्यूनिटी इफ्तार रखी है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि माशाल्लाह हमारी कम्यूनिटी आज इकट्ठी हुई है। समा काउंसिल लेबर पार्टी के साथ हमने इकट्ठी इफ्तारी की है और ये भी हमने बहन भाइयों बुजुर्गों को ये मैसेज दिया है कि जो 5 मई को इलेक्शन आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी इलेक्शन है। जो हुकूमत, कंजर्वेटिव हुकूमत 12 साल से इस गवर्नमेंट को चला रही है, इन्होंने ये हमारी कम्यूनिटी के लिए बेनिफिट नहीं दे रहे। Berry has had 12 years of a conservative government. The damage of those 12 years are seen across the town, whether that's the services that no longer exist, whether that's the rise in crime, whether that's a cost of living crisis, whether that's 70 years highest tax for working people, whether that's the impossibility of getting a doctor's appointment at the time and in need as you need it. 5 मई को बहुत इम्पोर्टेंट है आप अपना इलेक्शन, अपना वोट डालें, बिकॉज ये एक मौका है आपको कि ये जो कंजर्वेटिव हुकूमत है इसे मैसेज पहुंचाना कि आपने जिस तरह के कानून पास किए हैं जो कि अक्सर हमारे जैसे लोगों के खिलाफ है, हमको ये बात नहीं पसंद और हम इन बातों पे नाखुश हैं और इसलिए आपको हम निकालना चाहते हैं। बड़ी मुस्लिम फ्रेंड ऑफ लेबर और साउथ एशियन म्यूजिक एंड आर्ट काउंसिल की तरफ से दिए गए इफ्तार डिनर में डिप्टी मेयर बरी शाहीना हारून, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यास्मीन कुरेशी, डिप्टी लीडर ऑफ बरी काउंसिल तैमूर तारिक, काउंसलर इमराना फारूक, काउंसलर शॉर्ट मोरिस और चीफ एग्जीक्यूटिव जना सेंटर अकबर बेग शामिल थे। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज, बरी, ग्रेटर मैनचेस्टर। बरतानिया में बदतरीन महंगाई और मुख्तलिफ बहरानों में घिरे हुए बरतानवी आवाम ने महाना अखराजात में कमी लाने के लिए थोक में ग्रोसरी की खरीदारी शुरू कर दी है। सर्वे के मुताबिक 35% कार्ड इस्तेमाल करने वाले रोजमर्रा की अशिया का जखीरा करते हैं। तेजी से बढ़ते हुए ईंधन, बिजली और गैस की कीमतों की वजह से मुश्किल में है। मजीद अहवाल गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के आदाद व शुमार का इस्तेमाल करते हुए डेटा इकट्ठा किया गया, जिसके मुताबिक 13% खरीदार डब्बे में बंद टमाटर, बेक बीन्स, टोना, पास्ता, आटा, चावल और अनाज का जखीरा कर रहे हैं। 11% घरेलू सामान जैसे कि टॉयलेट रोल खरीद रहे हैं। 10% लॉन्ड्री डिटर्जेंट और शैम्पू पर जखीरा कर रहे हैं। कम अज कम 10% को चाय और कॉफी की इजाफी सप्लाई भी मिल रही है। खरीदारों ने भी काउंटर से ज्यादा दर्द कुश अद्वियात 8%, पालतू जानवरों की खुराक 7%, फिजी ड्रिंक्स 6%, अल्कोहल 5%, ईस्टर अंडे और चॉकलेट 5% खरीदने का एतराफ़ किया और बच्चों का सामान 3% तक जखीरा किया गया। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सरबराह जोजे कारवालो ने कहा, बहुत से शोबों में मार्च में 2019 की इसी मुद्दत के मुकाबले में जबरदस्त नमो देखने में आई है। मौसमी तब्दीली ने बरतानवी लोगों को पब और बार्स, बुक स्टेशंस में समाजी होने, मौसम बहार और मौसम गर्मा के लिए अपने अलमारियों को अपडेट करने पर मजबूर किया है। ताहम ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें और घरेलू बिल्स वाजे तौर पर सार्फिन के रवैये को मुतासर करना शुरू कर रहे हैं। अप्रैल के आखिर में मुतवक्के हीट वेव और तेजी से करीब आने वाली ईस्टर की तातीलात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन दोनों से गैर जरूरी खर्चात में इजाफे का इम्कान है। आदाद व शुमार जो मुल्क के तकरीबन निस्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लेन देन को देखता है, ने इंकशाफ किया कि मार्च में जरूरी अशिया पर खर्चात में 18.1% इजाफा हुआ, जो सितंबर 2021 के बाद से सबसे ज्यादा इजाफा है। ये बड़ी हद तक ईंधन पर होने वाले खर्चात की वजह से हुआ। एक सर्वे के मुताबिक हुकूमत को महंगाई को कम करने के लिए मजीद कुछ करना चाहिए। हालात की वजह से 54% ज्यादा पैदल चल रहे हैं, तकरीबन 38% गाड़ियों के तवील सफर में कमी कर रहे हैं और 22% इसकी बजाय साइकिल का इंतखाब कर रहे हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज, यूके। जर्मनी के शहर बर्लिन में साबिक वजीर आजम इमरान खान के हक में एहतजाजी मुजाहरा। साबिक मुआविन खसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी सईद मखदूम तारिक महमूदुल हसन ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इमरान खान का खसूसी पैगाम देते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी वतन का अजीम सरमाया है, इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसी पर देखेंगे मिर्जा रोहेल बेग की रिपोर्ट। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन भी पीटीआई जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बर्लिन के सेंट्रल इलाके विक्टोरिया लुइस पार्क से एहतजाजी रैली निकालेगी, जिसमें पीटीआई कारकुन और ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। लोगों ने फैमिलीज के साथ रैली का हिस्सा बनकर इमरान खान से इजहार यकजहती किया। इस मौके पर फिजा नारों से गूंजती रही। अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। शुरकान ग्रुप की शक्ल में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए मकामी रेस्टोरेंट सरकार तक रैली निकाली, जिसकी कियादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के रहनुमा जावेद इकबाल कादरी, सोशल एक्टिविस्ट रहनुमा पीटीआई राना साकिब खालिद और असद अली शाह ने की। फिजा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंजती रही। रैली में साबिक वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खसूसी मखदूम तारिक महमूदुल हसन, पीटीआई जर्मनी के साबिक सदर तारिक जावेद समेत कम्युनिटी के दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर सैयद मखदूम तारिक महमूदुल हसन ने शुरका को इमरान खान का खसूसी पैगाम दिया। मखदूम तारिक महमूदुल हसन का कहना था, वो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात करके उन तक इमरान खान का पैगाम पहुँचा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सबसे कीमती सरमाया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था, हम इस हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को नामंजूर करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा इमरान खान को सपोर्ट करते रहेंगे। उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम और वकार बुलंद किया। तकरीब के मुंतजमीन ने कहा कि हम इमरान खान के साथ थे, साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर राना साकिब खालिद और असद अली ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। रोहेल यंग, 92 न्यूज, बर्लिन, जर्मनी। टीम बॉल क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर, चाय वाला टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप रमजान सीजन 1 आज 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है। गुजस्ता रोज चैंपियनशिप की किट लॉन्चिंग, ड्राफ्टिंग और ट्रॉफी की शारजा क्रिकेट स्टेडियम में तकरीब रुनुमाई हुई, जिसमें टीम्स के कप्तान और ऑर्गेनाइजर्स समेत सहाफियों ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूत रिपोर्ट कर रहे हैं। यूएई की रियासत अमान और शारजा में एक बार फिर छक्के चौकों से गूंजेगा। इस बार टेप बॉल से खिलाड़ी अपने जौहर दिखाएंगे। चार कामयाब सीरीज के बाद पहली बार चाय वाला टेप बॉल टूर्नामेंट रमजान सीजन 1 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसका फाइनल शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज शारजा क्रिकेट स्टेडियम में किट लॉन्चिंग और ट्रॉफी की रोनमाई की रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टूर्नामेंट के हवाले से आगाह किया। उनका कहना था कि इस मुकाबले में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नॉकआउट सिस्टम के तहत 3 हफ्तों तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। इस मौके पर शेख चीफ ऑर्गेनाइजर ताहा अहमद, सज्जाद अब्बासी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आशिक और दीगर का कहना था कि शायकीन को इस बार भी अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस बार मकामी टीमों में सिर्फ अमराती खिलाड़ी ही हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट की खास बात ये भी है कि यहाँ पे इसमें हमने कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर को अलाउ नहीं किया है और विनिंग प्राइज इसका है 5,000। इसके अलावा एक ग्रैंड प्राइज भी है जो कि विनर और रनर अप के लिए है। वो लोग जो है हमारा जो सीजन 5 होगा चाय वाला का,
उसमें पार्टिसिपेट करेंगे विदाउट एंट्री फीस। 16 टीमों ने यूएई के अलग अलग एमिरेट से हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे बहुत इजी और हम लोगों ने अच्छी क्रिकेट को प्रमोट किया है पहले भी और अभी भी इसी तरीके से हम लोगों ने किया है। यहाँ पे 500 दरहम एंट्री फीस के ऊपर 5000 दरहम जो है हम प्राइस दे रहे हैं। इसमें टोटल 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही है और ये नॉकआउट बेस की बुनियाद पर खेला जा रहा है, जिसके मैचेज जो है वो फाइनल इंशाल्लाह शारजा स्टेडियम में ही होगा। तो ये नॉकआउट राउंड पे होगा और टोटल 5000 रुपये की मुश्तमिल ये क्रिकेट होगी और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बाकी जो टीमें हैं टेप बॉल्स की उनको सपोर्ट करने के लिए हम दोबारा यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी रिक्वेस्ट पर हम फ्यूचर में भी इनको सपोर्ट करते रहेंगे। उसको किसी हेल्दी एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाए और इसलिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इंशाल्लाह 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। रमजान सीजन 1 टूर्नामेंट की फातह टीम को ट्रॉफी के साथ साथ 5000 दिरहम इनाम दिया जाएगा, जबकि टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी की उमरा पैकेज बतौर इनाम दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज, दुबई, मुत्तहिद अरब अमारात। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल और मारूफ एंकर पर्सन राना अजीम और दीगर सहाफियों की टीम उमरे की सादात हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गई है। राना अजीम और दीगर सहाफियों की जद्दा आमद पर पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के अहदेदारों और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें गुलदस्ते पेश किए। वफ़ 7 रोज़ा दौरे के दौरान उमरे की सादात हासिल करेगा। ज़ायरीन 4 दिन मक्का मुकरमा जबकि 3 रोज़ मदीना शरीफ में गुजारेंगे। वफ़ में मुख्तलिफ प्रेस क्लब के अहदेदारों और सीनियर सहाफी शामिल हैं। वफ्द के अराकीन उम्र की सादत हासिल करने के बाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी सहाफती हलकों से भी मुलाकातें करेंगे। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से इफ्तार डिनर का सिलसिला जारी है। वियना के इदारा अल मुस्तफा सेंटर की सरपरस्त सैयद गजनफर अली शाह के वालिदैन के एहसाले सवाब के लिए रूह परवर महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। अकरम बासवा की रिपोर्ट। वियना के अल मुस्तफा सेंटर में रूह परवर महाफिल और इफ्तार इजतमात का सिलसिला जारी। अदारा अल मुस्तफा सेंटर वियना के सरपरस्त हाजी बाबा सैयद गजनफर अली शाह की जानब से उनके वालदैन मरहुमैन की रूह के एहसाले सवाब के लिए कुरान खानी और इज्तमाई फातह खानी और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। अदारा अल मुस्तफा सेंटर के खतीब प्रोफेसर राजा अजहर अब्बास सियालवी ने रोजा इफ्तारी से पहले अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इसके बाद इस इंसान के लिए अच्छे कलमात अदा करने चाहिए क्योंकि इसके मुतल्लिक अच्छे अल्फाज अगले जहां में उसके काम आएंगे। ऐ इंसानों, तुम इस जमीन पर अल्लाह की तरफ से गवाह कि जिस शख्स के बारे में तुम जो गवाही दोगे अल्लाह ताला वैसा ही उसके साथ मामला फरमाएगा। तो इस हदीस शरीफ की शरह में उलमाए किराम ने दोनों तरफा बात बोली है। पहली बात यह बोली कि जो आदमी मर जाए उसके लिए हमेशा कोशिश करें कि जितना भी बुरा था कलमा खैर हो, उसको बुरे लफ्जों के साथ याद न करें मरने के बाद। तारी से पहले प्रोफेसर राजा अजहर अब्बास सियालवी ने इज्तिमाई दुआया कलमात में उम्मत मुसलमा हाजरीन और शुरका के लिए दुआ की। इस मौके पर अदारा अल मुस्तफा सेंटर वियना के सरपरस्त हाजी बाबा सैयद गजनफर अली शाह के वालदैन मरहुमैन के एहसाले सवाब के लिए इज्तिमाई फातह खानी भी की गयी। मरहुमैन के लिए दुआ मगफरत करते हुए शुरका ने उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की। इफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद गजनफर अली शाह और दीगर शुरका ने कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। आज मैंने अपने का प्रोग्राम रखा था उनके सारे स्वाब के लिए, तो तमाम दोस्त तशरीफ लाए हैं पूरे वियना से, मैं उनका बहुत शुक्र गुजार हूँ। अल्लाह मेरे वालदैन को और उनके वालदैन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और हमें रमज़ान की बरकतें अता फरमाए, हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमाए और जन्नत में आला मकाम। रमज़ान मुबारक की कितनी बरकतें हैं, देखिए हम सारे इकट्ठे रोज़ाना किसी न किसी मस्जिद में पढ़ाई है। आज माशाल्लाह बाबा गजनफर शाह साहब के वालदैन की सारे स्वाब के लिए एक इफ्तार पार्टी रखी गई थी और हम सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुज़ारी की है और अल्लाह ताला की ज़ात उनके वालदैन को जवारे रहमत पे। माह रमज़ान मुबारक का नूरानी महीना चल रहा है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस मुकद्दस महीने में जो लोग भी खजूर के टुकड़े के साथ भी इफ्तारी कराएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश और मगफरत फरमा देगा। इस हदीस के मुताबिक तमाम मुसलमान तमाम दुनिया में अपने भाइयों के लिए इफ्तार का इहतमाम कर रहे हैं। इसी ज़िमन में आज यहाँ हमारे बाबा सैयद गजनफर अली शाह साहब ने अपने वालिदैन की साले सवाब के लिए इफ्तार का इहतमाम किया। बाबा की जानिब से आज जितने दोस्त आए हैं हम सब दिल के ताज रहे से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और शाह साहब सैयद गजनफर अली शाह साहब के वालिदैन के कुरान खाने के लिए यह महफिल सजाई गई थी। वैसे भी दर्दुल मुस्तफ़ा में यकम रमज़ान से लेकर ईद अल फितर तक अफ्तारी का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आखिर में रूह परवर महफल के मेज़बान सैयद गजनफर अली शाह ने इफ्तार डिनर में शिरकत करने पर हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना।
सऊदी अरब में पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से इजलास मुनाकिद किया गया जिसमें अहलिया ने रियाद की सियासी जमातों के अफराद ने शिरकत की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में PSP की जानिब से मुनाकिद इजलास में शुरुआत ने पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान का हिस्सा है और उन्हें चाहिए कि वो सियासी उमूर को जमहूरी और अखलाकी अंदाज में अंजाम दें और पुरतशद्द कार्रवाइयों से बाज रहें। मुल्क कौम के फैसले करने वाले ऐवानों में शाइस्तगी और रवादारी को फरोग दें और माह रमजान का एहतराम करते हुए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करें। इसी से पाकिस्तान मजबूत होगा और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस दूर होंगे। लाखों की तादाद में बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी मुल्कों में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के ख्वाह हैं, मगर जिस तरह से सियासी मैदान में रोजाना कशीदगी में इजाफा हो रहा है उससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इजलास से PSP सऊदी अरब के सदर हनीफ बाबर समय डॉक्टर मुजाहिद कायम खानी राना अब्दुल रऊफ हाफिज अब्दुल वहीद काजी इसहाक मेमन खालिद अकरम राना इलियास रहीम समय दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। और इसके साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।